वन वेलकम टू करण क्रंच जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं पहले मैं उनके लिए बता दूं इसमें हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी ठीक है और हमारा आज का थर्ड चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए आज का हमारा फोर्थ चैप्टर है दैट इज योर सोशल थिंकर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और ये देखने के लिए कि डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या कहा है तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है और इफ़ यू वांट टू स्टडी सोशलॉजी एंड योर स्टडिंग सोशलॉजी इन जनरल तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है दिस चैप्टर विल टेक टाइम क्योंकि इसमें हमें पाँच छः थिंकर्स जो हैं उनके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं फाइन तो हम स्टार्ट करते हैं देखो यू नो दिस के सोशोलॉजी एंड योर डिफरेंट एन यू साइंस सब्जेक्ट्स दे आर डिफरेंट ठीक है तो जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं मेजरली वो एक्सपेरिमेंटेशन पे होते हैं क्योंकि साइंस में आपकी स्पेक्यूशन वगैरह नहीं आती हैं ठीक है जो प्रूवन चीजें हैं वही आपकी इसमें आती हैं डिसिप्लिन में साइंटिफिक डिसिप्लिन में लेकिन इन सोशोलॉजी यार स्टडिंग सोसाइटी सो देयर इज अ रूम फॉर सम स्पेक्युलेशन ऑल्सो कहीं पर कॉमन सेंस नॉलेज इसलिए क्या होता है ये वाली जो डिसिप्लिन है आपकी सोशोलॉजी इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम इसमें काफ़ी सारे थिंकर्स हैं जिनने काफ़ी रिसर्च की हैं और अपनी अपनी थियरीज जो है वो पुट फॉरवर्ड की हैं फाइन इसीलिए इसमें वन साइज फिट्स ऑल थियोरी टाइप यूनिवर्सल रूल्स काफ़ी कम रहते हैं और यूजुअली नहीं चलते हैं क्योंकि हर सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है तो आप कोई एक थियोरी डिवाइस करके उसको पूरे ग्लोब के लिए यूनिवर्सलाइज यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हो फाइन तो इसीलिए हमें डिफरेंट थिंकर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस डिसिप्लिन को समझने के लिए तो देखें हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स से पहले हम देखते हैं फंक्शनलिज्म क्या है तो बेसिक थाट uh, है बेसिक प्रमाइस है जिसपे आपकी सोशोलॉजी बेस्ड हुई क्योंकि स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग के स्कूल ऑफ थॉट है जिन्होंने सोशोलॉजी को एक कंक्रीट शेप दी फाइन देखो अब फंक्शनलिज्म क्या होता है ज्म जिस भी नाम के प्रीफिक्स में लगता है दैट मीनस वो एक फिलोसफी है ठीक है तो आप बोल सकते हो फंक्शनलिज्म अ काइंड ऑफ फिलोसफी वो फिलोसफी क्या कहती है अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझना चाहो ले मैंड लैंग्वेज में समझना चाहो कि हर चीज सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करती है वो सोसाइटी के ओवरऑल बींग के लिए सोसाइटी के ओवरऑल बींग के लिए फंक्शनल है ठीक है चाहे वो आपका क्राइम ही क्यों ना हो क्राइम भी क्या करता है सोसाइटी को काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं या जो क्राइम सोसाइटी में होता है वो बाकियों के लिए एक रूल टाइप काइंड बनाते हैं कि आपको क्या चीज नहीं करनी है वो एक यार्ड स्टिक मेजर करने के लिए आप रख सकते हो कि हमें ये चीज नहीं करनी है क्योंकि इससे कोई पनिशमेंट मिलेगी ठीक है तो इन अवे अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो क्राइम भी फंक्शनल हुआ सोसाइटी के लिए इसका भी कोई काम है सोसाइटी के ओवरऑल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें जो है वो क्राइम में फॉलो करती है, करती हैं फॉल करती हैं और आपको वो नहीं फॉलो करनी है ठीक है तो फंक्शनलिज्म का बेसिक फंडा क्या है अगर आप बेसिक समझना चाहो यही कि हर सोसाइटी का जो पार्ट है वो ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है सोसाइटी की तो जो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के ये थे थिंकर्स उनका मानना था हर चीज़ सोसाइटी में फंक्शनल है अगर वो पॉवर्टी है पॉवर्टी भी फंक्शनल है क्योंकि पॉवर्टी पुश करती है बाकी लोगों को ज़्यादा मेहनत करने के लिए क्योंकि उनको पता है जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था पॉवर्टी इज़ नो गुड फ्रेंड टू हैव ठीक है तो अगर आपके पास कोई साम्पल पीस ही ना हो पॉवर्टी का आपको पता ही ना हो पोअर क्या है तो आपको वो एक्स्ट्रा पुश कहाँ से मिलेगा मेहनत करने के लिए क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा एटलीस्ट कुछ भी हो आपको इस वाली कैटेगरी में नहीं आना है ठीक है आपको पोअर कैटेगरी में नहीं आना है आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ठीक है तो जो पोअर कैटेगरी है सो कॉल्ड पोअर कैटेगरी ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं फंक्शनल हुई क्योंकि आपको पता है एटलीस्ट आपको गरीब तो आप पैदा हुए हो पर गरीब मरना नहीं है तो पॉवर्टी भी इन अ वे फंक्शनल है सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए फंक्शनलिज्म का बेसिक uh, जो है रूल या बेसिक आप फिलॉसफी है, है ये स्टार्टिंग से हुआ फंक्शनलिज्म ने ही कंक्रीट शेप जो है सोशोलॉजी को देना शुरू किया उसके बाद फिर काउंटर डेवलप हुई और इसको इसके एंटाइर अलग अलग थॉट जो है हमारे सामने आए जैसे पर्सपेक्टिव वगैरह जो हमें आगे देखनी है और जो स्टार्टिंग के थिंकर्स से अगर आप रिकॉल करो हमने स्टार्टिंग कौन से नाम पढ़े थे ऑगस्ट कॉम्टे दुर्खेम स्पेंसर ये सारे हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ये नाम आपने अभी तक मेरे मुंह से काफी बार ही सुने होंगे दे पुट फोर्थ आइडियाज विच फॉर्म इट्स बेसिस ठीक है तो इट्स बेसिक प्रमाइस इज दैट सोसाइटी वर्क एज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी आप स्टेटमेंट सुनो Its basic बेसिक प्रमाइस that society सोसाइटी as a system ऑफ इंटरकनेक्टेड parts एंड each पार्ट exists बिकॉज इट हैज परफॉर्म perform फंक्शनल functional prerequisites फॉर द होल सिस्टम ठीक है ये क्या कहता है सोसाइटी जो है मानो ये सोसाइटी है ठीक है ये इसके कुछ पार्ट्स हैं कहीं पे फैमिली आ गया कहीं पे मैरिज है कहीं पे आपका क्राइम है कोई भी है कहीं पे कल्चर है अलग अलग चीजें हैं सोसाइटी की जो सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये कहता है ये जो सारे पार्ट है दे आर इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है हर पार्ट का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ठीक है अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट को हम निकाल दें हम क्राइम निकाल दें हम यहाँ से कल्चर निकाल दें फैमिली निकाल दें तो आपकी सोसाइटी एज ए होल सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि हर पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है जो इंटरकनेक्टेड पार्ट अगर आप उसको निकालोगे एक पाजल अगर आप सॉल्व कर रहे हो उस पाजल के सारे पीसेस फिट करते हैं एक दूसरे के साथ अगर आप पाजल में एक वाले उसको निकाल दो एक पाजल पीस को निकाल दो तो वो आपकी कंप्लीट पिक्चर नहीं होगी तो ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी ये फंक्शन इसके कहने का मतलब है अब उन्होंने एनालॉजी कहाँ से ड्रॉ की थी इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं देखो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जब हुआ था तो पहली बार ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया गया था डायसेक्शन हुई थी पहली बार तो डायसेक्शन में उनको पहली बार उन्होंने देखा था जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वर्क इन कंजक्शन ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक है वो कैसे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं देखो अगर हम ऐसा तो नहीं बोल सकते अगर आपका हार्ट पंप करना ब्लड खत्म कर दे ठीक है तो हार्ट तो खत्म हो गया लेकिन आप फिर भी सर्वाइव करोगे ऐसा नहीं होता ना क्योंकि सारे पार्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है अगर लिवर अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप कर दे या किडनीज अपनी फंक्शनिंग जो है स्टॉप कर दे क्या आप सर्वाइव करोगे इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है वो बाद में उसमें नहीं जाना कि हम फिर डायलिसिस वगैरह स्टार्ट करते हैं वो नहीं आप एक बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी ले लो अगर आपका कोई फंक्शन कोई ऑर्गन जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है किडनी हो लिवर हो गया आपका हार्ट हो गया ठीक है ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा है ये काम नहीं कर रहा है हार्ट कहे मैं पंप ही नहीं करूंगा आज से ब्लड तो आपकी बॉडी ओवरऑल सर्वाइव नहीं करेगी क्यों क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं और हर पार्ट जो है उसके कुछ फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स हैं दैट मीन्स हर पार्ट कोई फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी इंटैक्ट है जिसकी वजह से आप जिंदा हो आपके कान सही सलामत है और आप मेरी बात सुन रहे हो आप देख पा रहे हो इस वीडियो को और आप मेरी बात सुन पा रहे हो ठीक है अगर ये ऑर्गन्स अपनी फंक्शनिंग बंद कर दे तो इंसान की जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं करेगी यही एनालॉजी सोसाइटी में इन्होंने ड्रॉ की और कहा कि अगर एक भी पार्ट सोसाइटी का जो है वो फंक्शन ना करे जैसे मैंने अभी आपको ये ब्लॉक डायग्राम करके बताया था जैसे एक पार्ट भी आप निकाल दो यहाँ से आप फैमिली को निकाल दो आप आ, कल्चर को निकाल दो आप पॉलिटिक्स को निकाल दो इकोनमी के कुछ कॉम्पोनेंट्स निकाल दो ठीक है या आप क्राइम निकाल दो पॉवर्टी निकाल दो ये सारे जो पार्ट्स हैं इंटरकनेक्टेड है अगर एक भी पार्ट को निकालो तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहेगी सोसाइटी फंक्शनिंग नहीं करेगी तो इससे हमें बेसिकली क्या पता चलता है हर चीज जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है दैट इज फंक्शनल फॉर सोसाइटी एज ए होल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दी सोसाइटी फाइन ये आपके फंक्शनलिज्म का बेसिक फंडा है तो ये लाइन क्लियर हो गई दिस व्यू इज प्राइमरीली शेप्ड बाई द बिलीफ ऑफ फंक्शनलिस्ट दैट सोसाइटी बिहेव लाइक एन ऑर्गेनिज्म विद वेरियस पार्ट एंड ईच पार्ट इज स्टडीड इन द लाइट ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स फॉर ऑर्गेनिज्म एज दर्गेनिज्म होल ठीक है समझ गए जैसे मैंने कहा हार्ट बोले मैं ब्लड पंप नहीं करूंगा तुम रह लो मैं जा रहा हूं हार्ट ये बोले आपको तो क्या हार्ट के फंक्शनिंग से या लिवर किडनी कोई भी ले लो अगर वो अपना फंक्शन परफॉर्म ना करें तो क्या आप सर्वाइव करोगे नहीं तो यही एनालॉजी इन्होंने ड्रॉ की सोसाइटी के लिए कि हर चीज जो सोसाइटी में हो रही है हर पार्ट जो है सोसाइटी का दैट इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी एज ए होल ठीक अब देखो इसमें क्या है कोई चीजें हैं जो आपका देखना जरूरी है करेंगे नेगेटिव फंक्शनलिज्म इसके लिमिटिंग एस्पेक्ट्स हैं कुछ क्या दो एक टोटोलॉजी है एक टेलियोलॉजी है ठीक है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे टोटोलॉजी डिनोट सेम थिंग टूवाइस आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो और आपकी कोई जो बात है वो मतलब कोई वैलिड बात आप नहीं करते हो वो आप टेली में देखोगे अब देखो रिपीट का क्या मतलब हुआ हम बोलते हैं दिस हैज फोर ये हैंजिकल है आप बोलोगे कैसे जब दिस ट्राइंगल सॉरी दिस रेक्टेंगल या बोल लो दिस ट्राइंगल का क्या मतलब हुआ देखो ये रेक्टेंगल है तो आप जो भी हम रेक्टेंगल की बात करेंगे हमें रेक्टेंगल बचपन से पढ़ा हुआ है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली शेप शेप कम हाउ वी नो हाउ रेक्टेंगल लुक्स लाइक तो ये रेक्टेंगल है हमें पता है रेक्टेंगल के फोर साइड्स है। तो तो हैं तो व्हेन वी आर सेइंग दिस इज अ रेक्टेंगल तो ये एविडेंट है एंड एंड दिस दिस इज अंडरस्टूड दैट इट इट मस्ट बी हैविंग साइड्स वुड फिगर ठीक है अब आप बोल रहे हो तो दिस रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स हमें पता है रेक्टेंगल के फोर साइड्स हैं अब आप ये चीज रिपीट कर रहे हो दो बारी कि इस रेक्टेंगल के फोर साइड्स हैं अदरवाइज क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि रेक्टेंगल के फाइव साइड्स भी हो हम बोलेंगे कि दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं है इसके फाइव साइड्स नहीं होते रेक्टेंगल के तो जहां पे हम बोलते हैं दिस इज रेक्टेंगल ये अंडरस्टूड है कि इसके चार साइड होंगे अगर आप बोल रहे हो रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स तो दैट मींस आप एक चीज को दो बार रिपीट कर रहे हो ये टूटोलॉजिकल होता है या आप बोलो दिस ट्राइंगल साइड्स तो क्या कोई फाइव साइड वाला ट्राइंगल भी होगा हमारे पास नहीं बिकॉज वेन वी से दिस इज अ ट्राइंगल दिस शुड बी अंडरस्टूड एंड एविडेंट इनाविंग थ्री साइड तो हमारा ये रिपीट करना की दिस ट्राइंगल हैज गॉट थ्री साइड इट मीन वी आर रिपीटिंग सेम थिंग टू वाइस एंड दिस इज रेफर्ड टू एज ट्रोटोलॉजिकल अब फंक्शनलिस्ट इसको कैसे यूज करते हैं ट्रुटोलॉजीज को मतलब ये कैसे उनके लिए लिमिटिंग आस्पेक्ट है हम अगर फंक्शनलिस्ट से पूछे रिलीजन क्या है ठीक है तो वो बोलेंगे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है या एक कलेक्टिव एक्टिविटी है जो इनहस करता है सोशल कोहेशन मीन सोशल बॉन्ड्स आपस में बढ़ाता है क्योंकि रिलीजन में क्या होता है गैदरिंग्स होती हैं, प्रेयर मीटअप्स होते हैं कोई एक बिलीफ से आप कनेक्टेड होते हो तो आपका जो बॉन्ड होता है जैसे आप संडे संडे चर्च जाते हो या टेंपल विजिट करते हो या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो तो आपका एक बॉन्ड बनता है इस रिलीजन की वजह से तो अगर आप बोलो डिफाइन करो रिलीजन को आप बोलोगे इट इनहसेज सोशल कोहेजन ठीक है अब आप बोलोगे इन्होंने क्या कहा हर पार्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर दी सोसाइटी एज ए होल सोसाइटी को स्टेबल एज ए होल करने के लिए तो अगर आप बोलोगे आप फंक्शन क्या है रिलीजन का तो आप बोलोगे ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट परफॉर्म्स दी फंक्शनिंग ऑफ एनहेंसिंग सोशल कोहिजन यहाँ से आप कहते हो रिलिजन क्या है उसका फंक्शन है सोशल एनहेंस करना वो रिलीजन क्या है वो एनहेंस करता है सोशल कोहिजन अब रिलीजन क्यों एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ एनहेंसिंग दी सोशल कोहिजन दैट मीन्स आप दो चीजों को सोशल कोहिजन और रिलीजन दो डिस्टिंक्ट चीजों को आप उसका कॉजल रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहे हो सेपरेट चीजों का ठीक है और आप एक चीज को बार बार ही रिपीट कर रहे हो आप कंफ्यूज कर रहे हो इसमें आप बेसिकली जब हम आपको बोल रहे हैं एग्जिस्ट क्यों करता है रिलीजन तो आप सिंपली उसकी डेफिनेशन बोल रहे हो रिलीजन की ये है ठीक है ना तो ये क्या इटोटोलॉजिकल हुआ ना आप सेम चीज को दो बार रिपीट कर रहे हो रिलीजन क्या है चलो ठीक गए फिर क्यों है क्योंकि आप उसकी डेफिनेशन को फिर एक्सप्लेन करते हो आगे दोबारा नहीं तो आप प्रॉपर फंक्शनिंग जो है रिलीजन की वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप सिंपली उसकी डेफिनेशन को इलाबोरेट कर रहे हो तो जब हम आपसे चाहे रिलीजन हो चाहे पॉवर्टी uh, हो या पॉलिटिक्स हो इकोनमी हो किसी भी चीज की डेफिनेशन किसी भी चीज के बारे में पूछे वो क्यों एग्जिस्ट करता है आप सिंपली दोबारा से उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हो तो फंक्शनलिस्ट क्या करते हैं वो उनको टिटोलॉजीज के लिए एक्यूज किया गया है कि वो ड्रॉ करते हैं टुटोलॉजीस वो सही से कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये हो गया टुटोलॉजी <coughs> सॉरी अब देखो टेलियोलॉजी क्या होता है टेलियोलॉजी होता है हर चीज का कोई पर्पस है स्टडी ऑफ पर्पसेस इंटेंशंस और गोल्स ये कहता है कि हर चीज का कोई एंड पर्पस है कोई चीज ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करती है अगर हम एग्जांपल में ह्यूमन आई ले लें तो टुटोलॉजी ये टेलियोलॉजी ये बोलेगा कि ह्यूमन आई जो है ये सिर्फ मेयर एवोल्यूशन के फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं हुई है जैसे चीजें इवॉल्व होती हैं और अकॉर्डिंगली वो एक शेप लेती हैं फाइन जैसे अगर आप एग्जांपल ले लो पहले जो जराव थे उनकी गर्दन कहते हैं इतनी लंबी नहीं थी पर फिर क्या हुआ जनरेशन टू जनरेशन जब वो ऊंचे वहां पे प्रेजेंट होते थे जहां पे ट्रीज काफी बड़े होते थे तो प्लांट खाने के लिए उनको अपने जो गर्द लीव्स वगैरह खाने के लिए उनको अपनी गर्दन ऊपर करनी होती थी तो टाइम क्या हुआ इवॉल्व होते गए इवॉल्व होते गए उनकी गर्दन ही वैसी बन गई ठीक है तो टेलीलॉजी क्या कहता है जैसे अब ह्यूमन आई की हमने इसमें एग्जाम्पल ली ये मेयर ह्यूमन आई जो है वो इवोल्यूशन या एवोल्यूशन के पर्पस पे नहीं बनी ये इसीलिए आई है क्योंकि इसका कोई पर्पस है तो आंख का क्या पर्पस है पर्पस ऑफ सीइंग आंख देखती है वो इसीलिए है तो ये कहते हैं हर चीज का कोई पर्पज होता है फालतू में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है सिर्फ जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज में आपको जिराफ की एग्जाम्पल कि इवॉल्व होके कोई चीज आ गई ये वो चीज बिलीव नहीं करता ये कहता है हर चीज का कोई पर्पज है तो फंक्शनल <clears throat> जो है वो दे सफर फ्रॉम इनलेजिटिमेट टेलीलॉजी दैट तो मीन्स जो पर्पज ये बोलते हैं चीजों का वो वैलिड नहीं है उसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है हमारे पास अब देखो सोशल सर्टिफिकेशन की जो फंक्शनल एक्सप्लेनेशन इनसे मांगी जाती है वो टेलोलॉजिकल है

फिर आपकी अर्बन क्लासेस हैं या अपर क्लासेस हैं फिर फर्दर इनके भी आगे स्टार्टिफाइड है अपर में भी लोअर अपर है अपर अपर है मिडिल में भी लोअर मिडिल है अपर मिडिल है ठीक है, है और जो बिल्कुल लोअर क्लासेस है उसमें लोअर लोअर क्लासेस हैं और अपर लोअर क्लासेस हैं तो ये क्लास बेस्ड सर्टिफिकेशन हुआ वैसे कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेशन भी है फाइन तो सोसाइटी हमारी स्टार्टिफाइड है तो अगर आप फंक्शनल एक्सप्लेनेशन मांगो इनकी क्यों है स्टार्टिफिकेशन तो ये आपको बोलेंगे क्योंकि सोसाइटी इसीलिए स्टेटिफाइड है ताकि बेस्ट पीपल गेट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स दैट मीन्स अगर जो अपर क्लास की जॉब्स हैं वो उन लोगों को मिले जो वो जॉब डिजर्व करते हैं वो उस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं उनको जैसे आई एक एलिट क्लास है आई के लिए आप मेहनत करोगे तो आपको वो मिलेगा फाइन फिर आपने जिस एग्जाम के लिए मेहनत की है चाहे वो जिस भी ग्रेड का हो वो किसी भी क्लास में फॉल करता हो आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो एक क्लास मिलेगी तो जो इंसान जिस चीज के लिए फिट होता है उसको उस कैटेगरी की जॉब मिले इस वजह से सोसाइटी डिवाइड है क्योंकि हर कोई आई ऑफिसर नहीं बन सकता ठीक है तो इस वजह से सोसाइटी डिवाइडेड है तो ये इसकी फंक्शनल एक्सप्लेनेशन देता है अब ये सोसाइटी सोशल स्टार्टिफिकेशन का कॉन्सिक्वेंस है इट इज नॉट अ कॉज सोसाइटी ऑलरेडी स्टार्टिफाइड है तो इसका कॉन्सिक्वेंस है कि लोगों को अलग अलग जॉब्स करनी पड़ती हैं अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग कोई लोअर क्लास की जॉब में ही रह जाता है कोई लोअर कास्ट में ही रह जाता है तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है ये इसका तो ये इसका कॉज नहीं है इस वजह से स्टैटिफिकेशन नहीं है स्टैटिफिकेशन है इस वजह से हर कैटेगरी को हर इंसान को एक अलग कैटेगरी की जॉब करनी पड़ती है ये इसका कॉन्सिक्वेंस है तो मतलब इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी हुआ आपने एक पर्पज बताया सोशल सर्टिफिकेशन का कि बेस्ट पीपल गेट दी मोस्ट डिजर्विंग जॉब या बेस्ट पीपल गेट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स आपने इसका ये एंड पर्पज बताया पर इसका पर्पज नहीं है फाइन ये इसका कॉन्सिक्वेंस है ये इसका कॉज नहीं है तो ये इलेजिटिमेट टेलियोलॉजी हुआ कि आपकी जो आपने जो एंड पर्पज बताया किसी चीज का वो कोई वैलिड नहीं है दैट मीन दैट इज विदाउट एनी प्रूफ आप वो बस मेयर स्पेक्युलेटिव बातें हैं और कुछ नहीं ठीक तो ये आपका टूटोलॉजी हो गया एंड टेलियोलॉजी हो गया फंक्शनलिज्म कवर हो गया फंक्शनलिज्म का बेसिक आपको समझ में आ गया इसकी लिमिटिंग एस्पेक्ट्स भी हमने देख लिए अब थोड़ा आगे देखते हैं बुक में क्या लिखा है जो टर्म्स हैं पॉजिटिविज्म एंड फंक्शनलिज्म दे आर यूज इन कंजंक्शन इनको यूजुअली कभी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है या इसमें कभी कंफ्यूज हो जाते हैं पर आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो गए क्योंकि मैंने आपको पॉजिटिविज्म बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया कि पॉजिटिविज्म होता है दे ट्राई टू अलाइन सोशोलॉजी ये, ये फंक्शनलिज्म है, है और फिर जनरलाइज हैं सोसाइटी को वैसे पढ़ो जैसे आप क्या पढ़ते हो नेचुरल साइंस सोशोलॉजी को वैसे पढ़ो जैसे आप साइंटिफिक डिसिप्लिन साइंटिफिक जो स्टडीज है वो करते हो ठीक है लेकिन फंक्शनलिज्म क्या है कि हर पार्ट ओवरऑल सोसाइटी के फंक्शन uh, के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड वो फंक्शनलिज्म है और पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि साइंटिफिकली इसको पढ़ो तो कहीं ना कहीं रिलेशन है लेकिन इंटरचेंजेबली आप इसको यूज नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो फंक्शनलिज्म का बिल्कुल एंटायर है इसको ऑपोजिट है फंक्शन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फंक्शनलिज्म का ठीक है तो वो भी पॉजिटिव स्कूल को बिलोंग करता है क्योंकि वो भी एक नेचुरल साइंस की तरह इसको स्टडी करता है जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स थियोरीज डिराइव करता है और माइक्रो या नॉन पॉजिटिव जैसे फीलिंग्स मोटिव उन पर ध्यान नहीं देता बड़ी बड़ी बातें करता यूनिवर्सलाइज यूनिवर्सल थियोरीज जो है हमारे सामने रखता है तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी उस हिसाब से पॉजिटिविस्ट स्कूल का है और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी पॉजिटिविस्ट स्कूल का है इस वजह से आपको ध्यान रखना है दैट यू कैन नॉट यूज इट टू इंटरचेंजेबली ये दोनों चीजें जो है वो अलग है बट टू आर नॉट द सेम ठीक है पॉजिटिविज्म इज दैट स्टैंड ऑफ सोशोलॉजी विच पुट साइंटिफिक स्टडी एट हार्ट ऑफ डिसिप्लिन दिस इज फिर क्लियर इनफ मैंने आपको पहले ही बताया है

उनने भी प्रोडिक्टिव थियोरीज दी हैं कि आगे वाली स्टेजेस जो है सोसाइटी की वो कौन सी हैं क्या होने वाला है वो हम कल मार्क्स में पढ़ेंगे काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं दस फंक्शनलिज्म को आप सबसेट बोल सकते हो पॉजिटिविज्म का इन दिस सेंस बट नॉट एग्जैक्टली और दुर्खीम जो था ही वॉज द फर्स्ट ट्रू फंक्शनलिस्ट ठीक है ये भी आप फॉर द सेक ऑफ इट याद रख सकते हो फंक्शनलिस्ट अप्रोच बिगेन्स विद इन ऑब्जर्वेशन दैट बिहेवियर ऑफ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड और देखो इस चीज का क्या मतलब है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ सोसाइटी मेंगेनाइज इन टर्म्स ऑफ रूल्स कुछ ये क्या कहता है जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो पैटर्न होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं वो रेकरेंट होते हैं ठीक है दैट मीन्स वही रूल्स जो है वो हर स्टेज में लाइफ की स्टेज डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में आत्मा, वापस रिपीट होते हैं और कोई पैटर्न होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को ग्रीट करो आगे से आपका फ्रेंड आ रहा है यहाँ से कोई एल्डरली पर्सन आ रहा है तो आपके पास कोई रूल होगा फ्रेंड को ग्रीट करने का वेव करोगे ठीक है एल्डरली आएगा मे भी आप उसके पैर छुओगे या उसको या आगे नमस्ते करोगे फ्रेंड्स में आप नमस्ते नहीं करोगे एल्डरली आएगा उसको अकॉर्डिंगली ग्रीट करोगे फ्रेंड को ग्रीट करने के लिए ज़्यादा इनफॉर्मल रिलेशन है तो कभी कभी हल्का सा ऐसे स्लैप भी कर देता है इंसान फ्रेंड को हाँ क्या हाल है हाई फाइव दे देता है पर एल्डर्स को फिर रिस्पेक्ट उनको ग्रीट करने का एक अलग तरीका है और ये चीज जो है दिस इज इस पे कंसेंसस वैल्यू कंसेंसस बेस्ड है दैट मींस हर सोसाइटी ये वैल्यू एक्सेप्ट करती है अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो अगर आप फ्रेंड को ऐसे बात करो ऐसे बात कर रहे हो फ्रेंड से वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि फ्रेंड भी सेम वैल्यू रखता है फ्रेंड को पता है कि हाँ ठीक है हाई फाइव देगा तो आपका फ्रेंड बुरा नहीं मानेगा कि इसने मुझे नमस्ते नहीं किया मुझे हाई फाइव दिया क्योंकि जो वैल्यूज आपकी है वो आपके फ्रेंड की भी है मतलब ये शेयर्ड वैल्यूज हैं इनको हम वैल्यू कंसेंसस बोलते हैं टेलकॉट पर्सन ने भी इसके बारे में बात की है भी हम आगे देखेंगे और एल्डर को अगर आप हाई फाइव दो हो सकता है वो बुरा मान जाए क्योंकि वैल्यू कंसेंसस या वैल्यू शेयरिंग क्या है वैल्यू क्या होल्ड करता है एल्डर क्यों एक्सपेक्ट करता है आप उसके पैर छो ठीक है तो वही वैल्यू आपका वो एल्डर भी रखता है कहीं पे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप इनफॉर्मल होते हो तो हाई फाइव भी दे दिया या एक पैक दे दिया चीक पे वो आपकी मर्जी वो आपके रिलेशन पे जो ग्रैंड पेरेंट का वैल्यू है वही आपका भी वैल्यू है दैट मीनस शेयर्ड वैल्यूज हैं इसको हम वैल्यू कंसेंसस बोलते हैं तो इसे सोसाइटी में इंटीग्रेशन है ठीक है क्योंकि लड़ाइया नहीं होती एल्डर ये आपको फ्रेंड ये नहीं, नहीं बोलेगा मुझे हाई फाइव क्यों दिया मेरे पैर क्यों नहीं छुए क्योंकि फ्रेंड और आप सेम वैल्यू होल्ड करते हो फिर एल्डर्स को आप नमस्ते करोगे तो एल्डर को बुरा नहीं लगेगा इससे मुझे नमस्ते क्यों क्योंकि इससे मुझे हाई फाइव क्यों नहीं दिया क्योंकि जो आप वैल्यू होल्ड करते हो वो एल्डर भी होल्ड करता है ठीक है तो कोई वैल्यूज है जनरल वैल्यूज हैं जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं जो हर मेंबर फॉलो करता है ये शेयर्ड वैल्यूज है जो आपकी वैल्यूज हैं वही आप आगे अपने जनरेशन को भी ट्रांसफर करते हो फिर इनमें चेंजेस वगैरह भी आती हैं वो अलग बात है हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जनरल रूल्स होते हैं सोसाइटी में कोई प्रेजेंट अनस्पोकन रूल्स भी होते हैं जो हम फॉलो करते हैं ठीक है जैसे मैं टीचर हूँ तो आप एक्सपेक्ट करोगे मैं आऊंगी और पढ़ाऊंगी मैं यहाँ वहां की बातें नहीं करूंगी फाइन तो ये वैल्यू मेरी है और यही वैल्यू आप भी एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आप भी वही वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो मुझसे तो एक पैटर्न बिहेवियर है एक ऑलरेडी सेट रूल्स पे चलने वाला बिहेवियर सोसाइटी में सेट है और रेकोरेंट है ये रीअकर होता है जैसे हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको फ्रेंड की जरूरत होती है तो चाहे आप छोटे हो आप फ्रेंडशिप करोगे आप एडल्टूड में आते हो आप फ्रेंडशिप करते हो फिर जब आप एज्ड उस वाले ग्रुप में आते हो तो फिर आपके अलग क्लब्स बनते हैं क्योंकि फ्रेंडशिप एक बेसिक चीज है जिसकी आपको हर स्टेज में जरूरत होती है तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये रेकरेंट होते हैं रियाकर करते हैं और ये किसी पैटर्न पे चलते हैं कोई जनरलाइज रूल्स है ऐसा नहीं है कि आपकी जो मर्जी आएगी आप अपने फादर से वैसे बात करोगे फादर से बात करने का एक रूल सेट है आप अपनी मामा से अलग तरीके से बात करते हो आप अपने पापा से अलग तरीके से बात करते हो क्योंकि कोई रूल्स जो ऑलरेडी है सोसाइटी में बने हुए हैं तो ये किन की ऑब्जर्वेशन थी फंक्शनलिस्ट की ओब्जर्वेश देखो पता ये हमें है ये भी हमें चीज पता है लेकिन अब हमें एक नाम मिला कि फंक्शनलिस्ट ने कहा है और इन इनने क्या कहा जो सारी ये सारी चीजें हैं ये रेकोरेंट होने से और एक पैटर्न बिहेवियर रूल्स फॉलो करने से सर्टन डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है सोसाइटी में होता ही है क्योंकि जैसे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आप वैसे बिहेव करोगे उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे तो सोसाइटी इंटीग्रेटेड रहेगी के ऑस कॉन्फ्लिक्ट नहीं मचेगा सोसाइटी में ये इनका कहना था ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिज्म ये यूज किया था बाय डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट बाय डिफरेंट थिंकर्स मेल नॉस्की ने रिलीजन स्टडी की थी मर्ड्रॉक ने यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली डेविस एंड मोरी ने स्टिफिकेशन के लिए हर्बर्ट ने फंक्शन ऑफ पॉवर्टी के लिए मर्टन ने स्टडी करने के लिए डिवियंस को कि उन्होंने कहा था लिटिल बिट ऑफ डिवियस इज ऑल्सो फंक्शनल फॉर सोसाइटी वो मर्टन हमें अलग डिटेल में भी पढ़ना है तो फंक्शनलिज्म का एक वेरिएंट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जहां पे आप एक सबसेट बोल सकते हो ये फंक्शनलिज्म आ गया इसके अंदर का एक पार्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जैसे फंक्शनलिज्म जनरल बात करता है कि हर पार्ट सोसाइटी का इंपॉर्टेंट है और इंटरकनेक्टेड है ये बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करता है सोसाइटी की तो स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करता है कि कैसे आपस में डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है कनेक्टेड और वो मेंटेन करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी ऑफ दी सोसाइटी ठीक है तो इसी का एक वेरिएंट है इट वॉज लेड बाई पार्सन एंड मर्टन इमर्ज एंड दिस टाइम ऑनवर्ड्स इट्स पॉपुलरिटी डिक्लाइंड नाइनटीन फोर्टीज़ और फिफ्टीज के बाद इसकी पॉपुलरिटी डिक्लाइन नाइनटीन फोर्टीज़ और फिफ्टीज के बाद एज ए वेरियंट ऑफ फंक्शनलिज्म क्या आया था हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मर्टन ठीक है उसके बाद अप ही वाइनटीन सिक्सटीज और सेवेंटीजों में हुए उससे क्या उस टाइम पे क्या हुआ था वो किया समझ गया तो ये पॉपुलरिटी फंक्शनलिज्म की डिक्लाइन हो केंगे ऑब्वियसली हर चीज को क्या बोल रहा है कि हर चीज फंक्शनल है सोसाइटी के लिए ये वाला थॉट कब तक ही आप मानोगे क्योंकि सोसाइटी जैसे ग्रो करती जाएगी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी अकॉर्डिंगली क्राइम्स भी बढ़ते जाएंगे तो फिर हर चीज सोसाइटी के लिए फंक्शनल है ये लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया तो उसके बाद हमारे पास आ गया कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव साथ साथ ही चल रहा था मार्क्स से आया था मार्क्स कार्ल मार्क्स वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे तो जैसे फिजल आउट हो गया फंक्शनलिज्म वैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव उतना फिजल आउट नहीं हुआ अभी भी बिलीफ रखते हैं लोग तो वेरिएबल ऑल्टरनेटिव ये इमर्ज और री इमर्ज होता रहा किसका फंक्शनलिज्म का द फैक्ट दैट ओनली लुक एट बेनिफिशियल आस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन लीड्स टू देर क्रिटिसिज्म दैट देयर अप्रोच इज कंजर्वेटिव एंड स्टेटस को इस उनका क्या मान स्टेटस कोस्ट क्या होता है जैसे हमारी सोसाइटी अगर हम इंडियन कास्ट सिस्टम की बात करें ब्राह्मण्स क्षेत्रियाजन वेश्वासन शूद्रास ठीक है तो स्टेटस को हाँ ठीक है अगर ब्राह्मण ऑन टॉप पे है इनको रहने दो ये डिजर्व करते हैं जो स्टेटस बना हुआ है वो स्टेटस रहने दो आपको शूद्रास को ऊपर लाने की कोई सो so कॉल्ड शूद्रास को ऊपर लाने की कोई जरूरत नहीं है इनको हम लोगों को स्टेटस कोएस्ट बोलते हैं और कंजर्वेटिव भी हुए क्योंकि कहते हैं कि जो ऑर्डर बना हुआ है वो ठीक है वो स्टेटस को जो सोसाइटी का बना हुआ है हर आ, तबके को हर पार्ट ऑफ सोसाइटी को जो स्टेटस मिला हुआ है वो ठीक है वो रहने दो तो, उसमें चेंज लाने की देखो ये अज्यूम करते हैं दैट इन्फेंस अबाउट इंडिविजुअल्स कैन बी मेड आउट ऑफ एग्रीगेट डेटा जो कि बिल्कुल गलत है अगर आप जी डी कंपेयर करो किसी डेवलप्ड नेशन की जहाँ पे पोअर पॉपुलेशन कम है लेकिन छोटी कंट्री की इंडिया की जीडीपी डी से आप इसको कंपेयर करो तो हो सकता है इंडिया की जीडीपी ज़्यादा आए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया जो है लाइफस्टाइल लोगों का बेटर हो रहा है या जो गरीबी है वो बहुत कम हो रही है हम अभी भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जैसे अभी ग्लोबल आ, हंगर इंडेक्स में भी इनफैक्ट काफ़ी पीछे हैं पॉवर्टी में भी काफ़ी आगे हैं ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है तो सिर्फ जीडी मतलब नंबर्स अगर हम मेजर करें नंबर में हो सकता है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है नंबर में हो सकता है जीडीपी हमारा ज्यादा हो किसी एक छोटी डेवलप्ड कंट्री से लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि लोगों की लाइफ भी बेहतर है उस कंट्री से ठीक है तो ये जो अगर आप इंफ्योरेंस ड्रॉ करोगे इस वाले डेटा से वो गलत होगा फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट जी डी पी ग्रोथ डेटा इन केस ऑफ वर्ल्ड सेन ईयर नाइन टू थाउजेंड सेवेंटीन में बी पॉजिटिव लेकिन इट डज़ नॉट मीन दैट एवरी वन इज बिकमिंग बेटर ऑफ मेक सिमिलर मिस्टेक्स वन दे कंसिडर द लार्ज फंक्शनल रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस बट इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन ऑन द इंडिविजुअल आप इग्नोर करते हो जैसे फैमिली ये फैमिली को हर एंगल से जो है क्या बोलेंगे फंक्शनल है लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं टॉक्सिक फैमिलीज की भी पेरेंटिंग कितनी टॉक्सिक हो रही है या पहले भी कई कह, कहीं टॉक्सिक रही है ठीक है तो फैमिली भी क्या है हर एंगल से हर डायनामिक से फंक्शनल नहीं है कहीं ना कहीं हमारे पास ये एग्जाम्पल भी आई हैं जहां पे टॉक्सिक पेरेंट्स हैं या टॉक्सिक चिल्ड्रंस हैं और जहां पर इंस्टीट्यूशन का बुरा हाल हुआ है चाहे वो मैरिज इंस्टीट्यूशन ले लो या रिलीजन ले लो या फैमिली ले लो तो ये सारी चीजें जो हैं उनको नजरअंदाज किया था किसने फंक्शनलिस्ट ने फाइन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और उसके बाद हमारे जो थिंकर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे पहले काल मार्क्स से हम शुरू करेंगे अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा स्पीड कम करके भी इसको एक दो बार लूप पे सुन सकते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल इसको शेयर करें उससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी ताकि मैं नए नए वीडियोज़ लेके आऊँ सो टिल द टाइम मैं अपलोड न्यू वीडियो बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे